हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग यमी डिशेस। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर दे आने वाली तमाम टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। तो बहुत ही इजी मेथड में मैं बताऊंगी, तो फुल डिटेल्स वीडियो है तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन की बिरयानी बनाई है। आपको अगर एक किलो चिकन की बिरयानी बनानी है तो आप चीज़ों को सारी डबल कर लीजिए। तो सब में पहले हमें चिकन मैरिनेशन के लिए रखना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर क्रिस्पीनेस के लिए, और मसालों में हम आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच भरकर चिकन टिक्का मसाला, और मैंने यहाँ पर आधा पैकेट जो तंदूरी मिक्स होता है वो मसाला ऐड किया है, जिससे हमारे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें वरना ना डालें। और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है और थोड़ा सा रेड फूड कलर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और फिर चिकन को हम रेफ्रिजरेटर में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं इसे। चिकन मैरिनेट हो रहा है जब तक हम यहाँ पर आधा किलो प्याज ले लेंगे और उसे इस तरह से पतले स्लाइसिंग में हम कट कर देंगे और उसे ऐसे मसल मसल कर अलग अलग कर लेंगे, और फिर हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे प्याज को और इसे साइड में रख देंगे। हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से। अब हमने जिस कढ़ाई में प्याज को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा ऑयल डालकर चिकन को भी मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसलिए फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक चिकन हमारा पक जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम सारे चिकन के पीस को इसमें डाल देंगे। मैंने पहले आधे फ्राई किए हैं और बाद में नेक्स्ट पार्ट में आधे फ्राई किए हैं। तो इस तरह से हम सारे चिकन को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। छः से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। एक बार हम फ्लेम फुल कर लेंगे और इस तरह से अल्टी पल्टी करके इसे थोड़ा सा और ज़्यादा फ्राई कर देंगे। और ये क्रिस्पी हो चुका है चिकन हमारा, अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी बारी का बचा हुआ चिकन फ्राई करने से पहले हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और सारे चिकन के पीस ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से हम सारे चिकन के पीस को ऐड करके मीडियम फ्लेम कर लेंगे गैस की, और 2 से 3 मिनट के बाद हम साइड्स को चेंज कर लेंगे। तो ये भी हमारा चिकन बनके रेडी हो चुका है। हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अभी इसे हम निकाल लेंगे एक साइड में। और अगर आप चाहे तो इसको आप कोयले का धुआं भी दे सकते हैं चिकन को ही, या तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तो अब एक कढ़ाई में हम 3 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें सारे साबुत गरम मसाले को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं साइड में बता दूंगी क्या क्या हमने गरम मसाले में चीज़ें ऐड की है, और फिर इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर होने तक हम इसे पकाएंगे। फिर इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, इसको मैंने बीच में से काट लिया था, और 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे। वज़न के हिसाब से देखें तो ये 250 ग्राम होंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर धनिया पाउडर हम 2 चम्मच डाल देंगे, हल्दी पाउडर 2 चम्मच डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और मैंने लकी बिरयानी मसाले का यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले से, तो इसलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ लकी बिरयानी मसाला। और फिर मैं इसमें उसे मिक्स करके थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालकर उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम इसमें 120 ग्राम फेटा हुआ दही डाल देंगे, ताकि इसमें जो लम्स होंगी ना वो ना रहे, इसलिए हम एक बार फेट कर ज़रूर ले लेंगे।
और फ्राई की हुई प्याज हमारी डाल देंगे, थोड़ी सी साइड में रख देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और टिक्का मसाला बिरयानी बना रहे हैं इसलिए रेड फूड कलर डाल देंगे ताकि जो अच्छा सा कलर आ जाए उसको रेड सा, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालकर थोड़ा मसालों को पका लेंगे हम, और फिर चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई कर लिया था, और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम ऊपर से, और फिर सारी चीज़ों को हम ढककर 10 से 15 मिनट तक तेल छूटने तक पका लेंगे। तो हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर कोयलों को गर्म कर लिया है और एक कटोरी में डालकर इसमें रख दिया है, और अब इसमें असली घी डालकर इसे अच्छी तरह से ढक 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर जो हमने कोयले की कटोरी रखी थी वो निकाल कर इसे एक बार मिक्स करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालकर इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है मसाला, और सच में बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर आप ट्राई करना इसी मेथड से। नेक्स्ट स्टेप में हम चावल को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ का पतीला लिया है और इसमें 4 लोटे पानी डाल देंगे। पानी का कोई हिसाब नहीं है, जितने हम चावल लेंगे उसके हिसाब से उसके 3 गुना ज़्यादा हम पानी डाल देंगे। तो मैंने आधा किलो चावल लिए हैं 500 ग्राम, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 लोटे पानी डाल दिया है। टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है, जब हम मसाला एक साइड में एक गैस पर रख देंगे ना ढककर पकाने के लिए, तो दूसरी साइड हम ये पानी को बॉईल कर लेंगे। मैंने इसी तरह किया था लेकिन वीडियो में मैं एक के बाद एक बता रही हूँ। तो पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पर तेल डाला है। खड़े मसालों में यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, शाहजीरा और इलायची का यूज़ किया है, और इस तरह से थोड़ा सा हिला लेंगे हम, इसे मिक्स कर लेंगे और नमक डाल देंगे। नमक हमें पानी के हिसाब से डालना है कि पानी में जो खारापन आना चाहिए, और फिर एक बॉईल ले लेंगे। और दावत बासमती राइस का मैंने यूज़ किया है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये राइस, इसलिए मैं हमेशा दावत बासमती राइस का ही यूज़ करती हूँ। तो इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा था पहले ही, और फिर हम क्या करेंगे इसे 80% तक बॉईल कर लेंगे। चावल हमारे 80% तक हम कुक कर लेंगे। तो चावल हमारे अभी कुक हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और चावल छन्नी की जो छलनी होती है इस तरह से हम इसमें चावल का पानी निथार लेंगे। अच्छी तरह से सारा पानी हम निथार कर इसे एक साइड में रख देंगे। देखिए कितने खुले खुले चावल बने हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, बिरयानी की लेयर लगाना है, तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने जो पतीला लिया था पहले वो बड़ी साइज़ का था, इसलिए मैंने उसी में थोड़ा सा नीचे बटर लगा दिया है। चावल की एक लेयर लगा के उसमें तली हुई प्याज थोड़ी सी डाल देंगे, पुदीना और हरा धनिया डालकर जो हमने मसाला बनाया है बिरयानी का वो डाल देंगे सारा एक साथ में, क्योंकि ये 1/2 kg की बिरयानी है इसलिए मैंने एक ही लेयर लगाई है। अगर आपकी ज़्यादा होंगी 1 kg की या 1/2 kg की, तो आप उसे 2 लेयर लगा सकते हैं चिकन की। तो इस तरह से हम सारा मसाला एक ही लेयर में डाल देंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला लेंगे इसे पूरे पतीले में, और फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और जो प्याज है फ्राई की हुई वो फिर से एक बार डाल देंगे, और फिर सारे जितने बचे हुए चावल है हमारे वो भी डाल देंगे और उसे भी फैला लेंगे अच्छे से इस तरह से। और थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर में पानी डालकर डाला है, और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, आपके हिसाब से जो आपके पास कलर होगा आप डाल देना, या तो आप ज़ैफ़रान भी डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके। ऊपर से प्याज, हरा धनिया और पुदीना छिड़क कर इसे ढककर हम 30 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम स्लो करनी है, और मैंने बटर डालना भूल गई थी इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा बटर ऐड किया है। तो रेडी हमारी टेस्टी सी चिकन टिक्का बिरयानी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।